हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दीपावली की रात भूल से भी ना करें ये सात काम। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की रात को दिवाली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो घर पर माँ का स्थिर निवास होता है और जीवन में धन संपदा की कोई भी कमी नहीं रहती। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज हम आपको इन्हीं कार्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें दीपावली के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। देर तक ना सोएं। शास्त्रों में ये बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बहुत से लोगों को देर से जागने की आदत होती है। ऐसे लोगों को विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए दीपावली के त्योहार के दौरान प्रातःकाल जल्दी उठें, क्योंकि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और आपको सुखी जीवन व धन धान्य का वरदान देती है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि दिवाली के दिन संध्या काल में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है और इस समय माँ धरती पर विचरण करती हैं। क्रोध ना करें। क्रोध और आलस्य व्यक्ति की बुद्धि का नाश करने वाले होते हैं। क्रोध के आवेश में आकर अक्सर व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर पाता और ऐसा काम कर बैठता है जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। इसीलिए विशेषकर दिवाली पर्व के दौरान यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। घर को गंदा ना करें। यूं तो हमेशा ही घर को स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन विशेषकर दीपावली पर्व के दौरान घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दिवाली की सफाई के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, जिस कारण दीपावली या अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। रात को ना सोएं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि दीपावली महालक्ष्मी की रात में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन रात्रि जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दीपावली की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण कर माँ को प्रसन्न करना चाहिए। भिक्षु को खाली हाथ न जाने दें। दिवाली के दिन यदि आपके घर कोई भिक्षु आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। घर पर आए व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर पूरे मान सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अपने भक्तों की परीक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकती है, इसीलिए यदि आपके द्वार कोई दान मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को तुलसी ना चढ़ाएं। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत अधिक प्रिय है, जिस कारण उन्हें पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को उनकी पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसका एक कारण यह है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी है और तुलसी भगवान विष्णु जी के दूसरे स्वरूप शालिग्राम की पत्नी है, इसीलिए माता लक्ष्मी को उनकी पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। किसी का भी अनादर ना करें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कभी भी अपने से बड़े बूढ़े, किसी महिला या फिर किसी कन्या का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना व्यक्ति के जीवन में अशुभ प्रभाव डालता है। वहीं विशेषकर दीपावली के दिन यदि किसी घर में इन सभी में से किसी का भी अनादर होता है तो उस घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसीलिए गलती से भी दीपावली के दिन किसी का भी अनादर ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।